shit. Accident. ¿Qué cabrera? फोन लगी तो नहीं, बैठ जा ना लगी तो नहीं। अंकल जी ने एकदम गाड़ी काट दी। हाँ प्लीज प्लीज मूव कर लो, थोड़ा सा थोड़ा मूवमेंट रखो भाई। वो स्कूटी वाला ना अंकल जी ने इधर से मोड़ा, ये इधर से थे। कोनी पे भी है थोड़ी सी, कोनी पे कोनी पे। हाँ ये साफ कर लो, इतना इन्हें साफ कर लो अंदर। हौली 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 नीचे 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 करो नीचे। हाँ यार रगड़ के चीज मच्छू की, पर कोई इंफेक्शन इंफेक्शन नहीं होगा। हौली हौली कर लो, स्पिरिट है भाई। हाँ पता मैं हूँ, जाना किथे साफ कर लो। नाल बी टू रहना क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर चेतन। डॉक्टर? डॉक्टर चेतन, क्या हुआ? ब्लॉगिंग के लिए मैं यूट्यूबर हूँ, थोड़ा सा यहाँ खड़ा हुआ था, जैसे एक्सीडेंट हुआ तो आप रुके। गुड जॉब सर। कोई नहीं, ठीक हो ना? देख लो थोड़ा सा, कोई नहीं कुछ, ये आप ही कहेंगे नटवट जो गिरे। कोई नहीं कोई नहीं भाई, स्कूटी है साली, सबसे जल्दी गिरती है। दोनों साथ में चल रहे हैं, आपका पीछे पे
मैं यहाँ खड़ा हुआ था यार, कनेक्टेड है। हाँ हाँ चल रहा है, पर मतलब मैं तो जब स्किट खाई है ना तब मैंने देखा है। अभी पता सर दोनों साथ में एकदम, आप लेफ्ट मार दो तो ये क्या करेगा लेफ्ट वाला? हम आ रहे थे ना, अंकल जी ने इंडिकेटर दिया और हमारे साथ में एकदम लेफ्ट मार दिया। यार कुछ नहीं बच गया ना, सब ठीक है ना, थोड़ा सा ट्रेसिंग करा लेना ठीक है। अभी जाके चला जा, खुला ही रखना, लिक्विड वाली आती है बेटाडीन वो लगा लेना बस। थैंक्स बडी। ओके भाई, चल रही है? तो यार बताओ अब यहाँ पे किसकी गलती मानी जाएगी, अंकल जी की गलती मानी जाएगी या उन दो बच्चों की जो गाड़ी मतलब स्कूटी थी स्पीड में, बट इतना भी स्पीड में नहीं थी कि वो मतलब कुछ हो जाए। तो अंकल जी राइट साइड में चल रहे थे और वो दोनों लेफ्ट में थे, अंकल जी ने एकदम लेफ्ट में मोड़ा तो वो स्कूटी है ब्रेक प्रॉपर लग नहीं पाते हैं, उन्होंने ब्रेक खींचे, अंकल जी की गाड़ी में हिट हुआ, दोनों स्किट हुए, अंकल जी वहीं गिर गए और उनकी गाड़ी सीधा स्किट खाती हुई गाड़ी के अंदर जाके लगी। वो तो शुक्र थी कोई और गाड़ी नहीं थी बीच में, पर बच गए यार। तो इसलिए कहते हैं यार थोड़ा स्पीड में थोड़ा कम चलाइए और सेफ राइड करो यार, कुछ नहीं पता क्योंकि अगले पल आपके साथ क्या होगा। मैं थैंक करना चाहूँगा डॉक्टर चेतन का जो दीनदयाल में है, उन्होंने बिना किसी वजह से वो रुके, दोनों को ट्रीटमेंट दिया और चुपचाप चले गए। थैंक यू सर, आपके जैसे लोग बहुत कम हैं यहाँ पे। थैंक यू।